अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास के लिए मैंने आज जो नया टॉपिक लाया है हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आज हम पढ़ेंगे हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्यारे बच्चों, हीटीरो ये भी दो ये हीटरोट्रॉप ये दो वर्ड से बना है, हीटीरो एंड ट्रॉपिक। हीटीरो का मतलब हो अदर्स एंड ट्रॉपिक का मतलब है न्यूट्रिशन, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड हासिल करते हैं प्लांट से या एनिमल से, उनको हम कहते हैं उनमें जो उनमें कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो ये हीटरोट्रॉपिक जो इन ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं हीटरोट्रॉप्स, क्या कहते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड हासिल करते हैं प्लांट से या एनिमल से, उनको हम कहते हैं हीटरोट्रॉप्स। जिस तरह प्लांट्स अपना फूड खुद तैयार करता है, यानी वो तैयार करता है या वो सिंथेसाइज फूड करता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक मटेरियल उनमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जबकि जो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे वाटर है या कार्बन, इनसे वो हम फूड हासिल नहीं करते, बल्कि हम यानी जो भी जो हीटरोट्रॉप्स होते हैं बल्कि वो फूड हासिल करते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स से, इसीलिए दैट इज़ वाई इनको हम कहते हैं डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। वो हीटरोट्रॉप्स क्या कहते हैं, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स। Depend on other organisms, for example, plants and for food. यानी जो heterotrophic या heterotrophous organ होते हैं उन वो क्या करते हैं, depend on other organisms, for example, plants and animals for food. यानी plants and animals से वो food हासिल करते हैं, उनको कहते हैं इस type of nutrition हम कहते हैं heterotrophic nutrition. और वो organism जिनमें ये टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट पाया जाता है उनको कहते हैं हम हीटरोट्रॉप्स, क्या कहते हैं उनको, हीटरोट्रॉप्स। इसका मतलब जो हीटरोट्रॉप्स है ये इसका दूसरा जो नाम है उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स, इसको हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं, यानी कंज्यूम। जिस तरह जो ऑटोट्रॉप्स है यानी प्लांट्स है, प्लांट्स को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है फूड, वो सिंथेसाइज फूड करता है, खुद अपने लिए सिंथेसाइज फूड करता है, इसलिए दैट्स व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एंड एनिमल्स। इन जो जो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल्स से फूड हासिल करते हैं उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स, बिकॉज वी कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वी डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ओके प्यारे बच्चों, अब इसमें भी जो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है, यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी डिफरेंट जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, जो ये ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म एक अलग तरीके से हासिल करते हैं, इनको कैटेगराइज हमने किया है तीन टाइप्स में। यानी जो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं प्लांट्स या एनिमल्स पे फॉर देयर फूड, उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो किस तीन कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है, उन तीन कैटेगरीज के हम नाम लिखेंगे। यानी जो हीटरोट्रॉपिक, आप इसके थ्री मोड्स है, आप थ्री मोड्स भी कह सकते हो, थ्री मोड्स या थ्री टाइप्स भी हम कह सकते हैं। तीन तरीक़ों से जो हमारे पास जो ऑर्गन है तीन तरीक़ों से वो फूड हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक टाइप है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके एक तो हमारे पास है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक। एंड तीसरा जो है वो हालोजुइक न्यूट्रिशन है, हालोजुइक न्यूट्रिशन। ये आप समझो ये टाइप्स है किसके, ये इसके टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन
हिटीरो ट्रॉफिक न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कितने टाइप्स है हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कितने टाइप्स है, तीन टाइप्स है, एक हुआ सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हुआ पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड तीसरा हुआ हालोजोइक न्यूट्रिशन। हम एक एक करके इनका इनको डिस्कस करेंगे। पहले हम लेंगे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, प्यारे बच्चों ये वर्ड भी है जो ट्रॉपिक, ट्रॉपिक तो ऑलरेडी हमें पता है ट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये यहाँ से एक वर्ड है सेप्रो, इस टर्म का मतलब, सेप्रो का मतलब होता है, सेप्रो का मतलब है व्यापारी बच्चों, जो सेप्रो है इसका मतलब है रोटन, इसका मीन्स क्या होता है रोटन, रोटन कहते हैं सड़ी हुई चीज़ को, जो सड़ा हुआ चीज़ हो, जो डेड हो, जो डिकी, मतलब जो डेड या डिकी हो उसको हम कहते हैं सेप्रो। अब इस वर्ड से, इस रोटन से आपको जो सड़ा हुआ है, जो गला हुआ होगा, जो डेड या डिकी मतलब पार्ट होगा किसी लिविंग थिंग का, उनसे ये फूड हासिल करते हैं। अब इसको इस तरह हम लिखेंगे, इट इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ, वो किसका होगा, चाहे वो प्लांट्स का होगा, चाहे वो आप डेड प्लांट, चाहे वो डेड प्लांट हो, चाहे वो डेड एनिमल हो, डेड एनिमल हो, या आप समझो और डेड, या वो रोटन, सॉरी, या वो रोटन रोटन ब्रेड हो। तीन चीज़ें मैंने यहाँ जिक्र की, चाहे वो डेड प्लांट हो, चाहे वो डेड एनिमल हो, या रोटन ब्रेड हो, इसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक, इसको कहते हैं हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्यारे बच्चों ये वो अब चाहे वो, जैसे हम मिसाल देंगे, जो बॉडीज, जो डेड प्लांट हो या डेड एनिमल हो, उसमें क्या होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जब कोई लिविंग थिंग डेड होता है उसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनको ये ब्रेक डाउन करते हैं, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ये ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकन डाउन, उनको ब्रेक किया जाता है, आर ब्रेकन डाउन इंटू सिंपलर वनस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो जब चाहे डेड प्लांट बॉडी हो, चाहे डेड एनिमल हो, उसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, उसमें उसमें प्रोटीन्स होंगे, उसमें फैट्स होंगे। अब जैसे अगर हम अगर हम प्रोटीन्स की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोटीन्स की बात करता हूँ, प्रोटीन्स या प्रोटीन जो है वो कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये जब कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आपस में मिलते हैं ये प्रोटीन बनाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ये कार्बन के बने होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के।
अब जब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, अब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलता है ये प्रोटीन्स बनाते हैं। अब ये प्रोटीन्स और जो कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब इन्हीं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जब कोई लिविंग थिंग मारता है डेड एंड, उनको कन्वर्ट किया जाता है इनऑर्गेनिक। जैसे इनऑर्गेनिक का ये कार्बन अलग निकलता है, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, इसी तरह ये कार्बन अलग निकलेगा, इससे ये सेपरेट करते हैं। फिर उन्हीं जो इनऑर्गेनिक जो अब सिंपलर वन उसको ये यूटिलाइज करते हैं केस के लिए एज देयर फूड। ठीक, जो ये किस्म के ऑर्गेनिक उनको हम कहते हैं सेप्रोटाइप्स। जिन जिन ऑर्गेनिज्म में ये जो जो डेड एंड डिकिंग या रोटन मैटर को यूज़ करते हैं एज देयर फूड, दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। इनको कहते हैं सेप्रो, क्या कहते हैं इनको, सेप्रोफाइट्स। ठीक, इनको कहते हैं सेप्रोफाइट्स। ओके, ये तो आपको क्लियर हुआ होगा कि सेप्रोफाइट्स किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इनकी थोड़ा मिसाल देंगे, ये सेप्रोफाइट्स कौन कौन से हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। आपने वो मशरूम देखा होगा, मशरूम जिसको कश्मीर में हिंड कहते हैं, हिंड वो मशरूम, हिंड जो निकलती है, जो अगर आपने जब आप जंगल में जाते हो, जंगल में आप देखते हो जो वहाँ के जो जो दरख्त होते हैं, या वो जो दरख्त है जो ऑलरेडी डेड या डिके सड़ा हुआ होगा, फिर वहाँ से वो मशरूम निकलते हैं, हिंड, इसको कश्मीर में हिंड कहते हैं हम। आप ये वो जो है जो मशरूम, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो जो अपना फूड है वो डिराइव करता है इसी डेड एंड डिकिंग, जो ये डेड एंड डिकिंग प्लांट होगा इससे ये डिराइव करता है अपने न्यूट्रंट्स। हाँ, ओके, इस तरह ये जिंदा रहता है। ओके, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम दूसरा उठाएंगे पैरासिटिक, दूसरा क्या हम है ना, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इस पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें दो चीजें होती है। एक तो होता है पैरासाइट, इसमें दो चीज होती है, एक पैरासाइट होता है और दूसरा होता है होस्ट। इसमें दो चीजें होते हैं, एक पैरासाइट होता है और दूसरा होस्ट होता है। जो ये पैरासाइट है ये होस्ट से, दोनों लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक, बोथ आर लिविंग। ये भी जो पैरासाइट, ये भी लिविंग थिंग होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, और ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। जो ये पैरासाइट है इसको फूड चाहिए, इसको न्यूट्रंट चाहिए जिंदा रहने के लिए, इसको न्यूट्रंट्स की जरूरत है। अब ये जो न्यूट्रंट्स हासिल करता है ये कहाँ हासिल करता है, ये होस्ट से हासिल करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करता है। अब इन रिटर्न जब ये होस्ट होता है, जो ये दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ये जो मतलब फूड खाता है, जो ये न्यूट्रंट्स हासिल करता है या अपनी बॉडी को यूटिलाइज करने के लिए, लेकिन जब ये पैरासाइट खुद अपने लिए गुज़ा तैयार नहीं कर सकता है, ये इस अब ये क्या करता है, ये इस होस्ट से अपना जो फूड है जो न्यूट्रंट से वो हासिल करता है। इन रिटर्न क्या होता है, इसको फ़ायदा मिलता है और इसको नुकसान होता है, यानी इट गेट्स बेनिफिट, ये बेनिफिट, इसको बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है कि ये फूड जो है फूड होस्ट से हासिल करता है, ये जिंदा रहता है, अपने जो तमाम न्यूट्रंट्स है ये हासिल करता है, इसका मतलब ये बेनिफिट करता है। अब जो ये है कहाँ से बेनिफिट लेता है, होस्ट से। अब होस्ट क्या होता है, इसको क्या होता है, इसको हार्म यानी इसको नुकसान पहुँचता है, इसको नुकसान पहुंचता है और ये बेनिफिट हासिल करता है। अब इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम यहां लिखेंगे इट इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच एन ऑर्गेनिज्म इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट इज फूड फ्रॉम द बॉडी
from the body of another living organism. Another living organism, जिसको हम होस्ट कहते हैं, विदाउट, लेकिन एक क्या जिस कहते हैं विदाउट किलिंग इट, यानी विदाउट किलिंग इट, जो होस्ट है उसको किल नहीं करता है, लेकिन उस होस्ट से अपनी न्यूट्रंट्स हासिल करता है, फूड हासिल करता है, इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासाइट्स जो होते हैं, अब जो ये पैरासाइट्स होते हैं, चाहे ये पैरासाइट प्लांट्स में होंगे या एनिमल्स में हों, पैरासाइट चाहे प्लांट्स में होंगे एनिमल्स में, इनसे ये न्यूट्रंट्स या फूड हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ मिसालें दूंगा, हमारे राउंड वर्म का नाम आपने सुना होगा, राउंड वर्म जिनको कश्मीर में हम कहते हैं आम, इसी तरह आपने टिक्स एंड माइट्स का नाम सुना होगा, टिक्स एंड माइट्स जिसको हम माकन कहते हैं, या जिसको कश्मीरी में माकन कहते हैं, या हरहट, ये जो आपने कश्मीरी में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, टिक्स एंड माइट्स, जो माकन, जो हमारे जो कावज होते हैं, गोट्स होते हैं या शीप्स होते हैं, उनके कानों में जो वो कीड़ा जैसा होता है उसको हम कहते हैं, वो है ना, वो टिक्स होते हैं, और लाइस कश्मीरी में उसको कहते हैं जौ, या आप टेप वर्म भी है, टेप वर्म ये सफ़ेद कलर का होता है, ये भी इंसानों में पाया जाता है, ये सब जैसे राउंड वर्म है, टिक्स एंड माइटिस हैं, लाइस है या टेप वर्म है, ये सब डिराइव करते हैं न्यूट्रंट्स फ्रॉम, ये खुद पैरासाइट्स है और अपना जो फूड है वो हासिल करते हैं होस्ट से, इन रिटर्न ये बेनिफिट, इनको बेनिफिट मिलता है, और जो जिस बॉडी से, जिस होस्ट से ये अपना जो फूड हासिल करते हैं उसको नुकसान पहुंचता है। इसी तरह आप प्लाज्मोडियम, जैसे मलेरिया है, जो मलेरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये मलेरिया, इससे कौन सी डिजीज होती है, मलेरिया। अब जो ये पैरासाइट, जो ये मलेरिया, ये भी एक पैरासाइट है जो ट्रांसमिट होता है फ्राम मॉस्किटोस से इंसानों में, तो फिर ये डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज, जैसे ये कौन सी डिजीज क्रिएट करता है, मलेरिया। अब ये मलेरिया भी, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक पैरासाइट है, ठीक। इसी तरह आपने जो प्लांट्स में पैरासाइट होते हैं, कस्केटा एमरबेल भी इसको कहते हैं, ये भी एक पैरासाइट है, ओके। ये तो आपको मैंने थोड़ी बहुत जो मिसालें दी, चाहे प्लांट्स में चाहे एनिमल्स में, ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये अपना न्यूट्रिशन, ये अपना फूड डिराइव करते हैं होस्ट से, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, इन रिटर्न इनको फ़ायदा मिलता है और जो होस्ट है उसको नुकसान होता है, ओके। अब तीसरा हम पढ़ेंगे तीसरा जो हमने लिखा था, हालोजुइक न्यूट्रिशन। ये हालोजुइक न्यूट्रिशन क्या है, ओके। हालोजुइक न्यूट्रिशन, ये जो हालो का मतलब है, ये हालोजुइक न्यूट्रिशन, इसका मतलब है फीडिंग ऑन सॉयलेंट फूड, इसका मतलब ये हुआ फीडिंग ऑन सॉयलेंट फूड, यानी ये वो ऑर्गेनिज्म है जो फीड करते हैं सॉयलेंट फूड को, यानी चाहे जो सॉयलेंट विच में भी प्लांट प्रोडक्ट, वो प्लांट प्रोडक्ट भी हो सकता है, या जो ये सॉयलेंट फूड है ये प्लांट प्रोडक्ट भी हो सकता है या एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक। ये प्लांट प्रोडक्ट भी हो सकता है या एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक। जो हालोजुइक न्यूट्रिशन क्या है, ये जो जिन ऑर्गेनिज्म में ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है वो फीड करते हैं सॉयलेंट फूड को, और जो सॉयलेंट फूड वो किस शेप में होगा, चाहे वो प्लांट प्रोडक्ट होगा या एनिमल प्रोडक्ट होगा। अब मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, अगर हम बात करेंगे जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स है, इंक्लूडिंग वी, यानी हम ह्यूमन बीइंग्स, हमें यही जो हालोजुइक न्यूट्रिशन, हमें कौन टाइप, इनमें से कौन सा टाइप न्यूट्रिशन होता है, हमें हालोजुइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें टू प्रोसेस होते हैं, एक होता है इंजेशन, एक इसमें इंजेशन एंड इजेशन, ये दो प्रोसेस इसमें
मतलब होते हैं, एक हुआ इनजेशन, IN, इन इनजेशन, दूसरा क्या हुआ इजेशन, जिसको दूसरी को कहते हैं हम इजेशन, इजेशन। ये टू प्रोसेस में होते हैं। जैसे इनजेस्ट हम क्या कहते हैं, ये आपको पता ही है, हम जो सबसे पहले हम जो टेक करते हैं सॉलिड फूड अपनी बॉडी में लेते हैं, इस प्रोसेस को जब हम फूड खाते हैं उसको हम मुंह में डालते हैं, फिर वहाँ चीविंग होती है, मुंह में डाल के हम दांतों से उसको चबाते हैं, उस सॉयलेंट फूड को हम फर्दर ब्रोक डाउन करते हैं। अब इंग्लिश में हम इस तरह भी आप कह सकते हो, जो हम टेक करते हैं सॉयलेंट फूड इन टू द बॉडी, फिर हमारी बॉडी में हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। उसको क्या कहते हैं हम, इंजेशन। अब ये जो इंजेस्ट फूड है, ये इंजेस्ट फूड, इसको इसको क्या किया जाता है, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। दिस फूड इज़ ब्रेकन डाउन, इज ब्रेक डाउन एंड देन डाइजेस्टेड। जब इसको पहले ब्रेक किया जाता है और फिर इसको देन डाइजेस्ट किया जाता है, डाइजेस्ट मीन्स जब ये हमारे स्टोमिक स्टोमिक में जाता है, स्टोमिक में क्या होता है, उसको ब्रोकन डाउन किया जाता है। अब इसमें इसको भी ब्रोकन डाउन किया, स्टोमिक क्या होता है, ये जो फूड है इसको फिर डाइजेस्ट किया जाता है, डाइजेस्ट डाइजेस्टेड, इसको डाइजेस्टेड किया जाता है। डाइजेस्टेड का मतलब भी हुआ ब्रेक, या इसको फर्दर ब्रोकन किया जाता है, ब्रोकन डाउन फर्दर। अब जब इनको फर्दर ब्रोकन डाउन किया जाता है, लेकिन किस में किया जाता है, इनटू सिंपलर वनस, इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस, ठीक। यानी जो हम फूड खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं, फिर जब वो स्टोमक में जाता है, स्टोमक में उसको फर्दर ब्रेक डाउन होता है, स्टोमक में फर्दर ब्रेक डाउन होता है, जब जो जो कॉम्प्लेक्स इसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर वनस में। जब ये सिंपलर वनस में और फिर जो जब ये जो ये सिंपलर सब्सटेंस है, फिर जो हमारे जो सेल्स है, वो सेल्स क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब यही जो सेल्स एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब सेल्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं, यही जो सिंपल सब, फिर ये हमारे सेलों में एब्जॉर्ब होता है ऑफ द बॉडी, ये जो हमारी बॉडी में। अब इसमें एक और बात है, अब इसमें वेस्ट मटेरियल भी रहता है कुछ, जैसे हमने खाना खाया, फिर इस खाने जब ये खाना हमारे स्टोमक में पहुंचा, फिर स्टोमक में इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है और इसको फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। फिर जो ये सिंपलर सब्सटेंसेस में जब ये कन्वर्ट हुआ, फिर इसमें जो मतलब जो 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 इसमें इसको फिर क्या किया जाता है, इसको एब्जॉर्ब करते हैं सेल्स ऑफ द बॉडी। अब जो वेस्ट, अब इसमें जो वेस्ट रहता है, उस वेस्ट को उसको बाहर किया जाता है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको इजेशन किया जाता है। आप इजेशन का मतलब आप ये भी समझो, इसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम थ्रोन आउट भी कहेंगे, इसको थ्रो आउट किया जाता है, थ्रोन आउट यानी थ्रो आउट किया जाता है इसको, किसको आउट थ्रो आउट किया जाता है, जो वेस्ट जो हमारे पास अब यहाँ जो वेस्ट मटेरियल बनता है, वेस्ट मटेरियल जो हमें यहाँ बनता है, वेस्ट मटेरियल वेस्ट मैटर इन द फॉर्म ऑफ जो फीसेज हो, उस वेस्ट मैटर को थ्रू आउट किया जाता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड, उसको हम कहते हैं इजेशन, यानी इजेशन के जरिए हम इसको हम एक्सक्रीट करते हैं। अब हम थोड़ा इसको डेफिनेशन भी लिखेंगे, इट इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल into its body by the process, किस process, by the process of, उसको हम क्या कि उनसे उस process क्या कहते हैं, हम इंजेशन उस process क्या कहते हैं, इंजेशन एंड
एंड द जो इनजेस्टेड फूड होता है, इनजेस्टेड जो फूड होता है उसको क्या किया जाता है, उसको इज डाइजेस्टेड, वो डाइजेस्ट होता है, हजम होता है, इज डाइजेस्टेड। एंड जब हजम होने के बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, जो सेल्स होते हैं ऑफ द बॉडी एब्जॉर्ब एंड देन एब्जॉर्बड, वो एब्जॉर्ब होता है एंड देन एब्जॉर्बड इन टू द बॉडी, हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होता है, इन टू द बॉडी, इन द बॉडी जो बॉडी सेल्स है उनमें एब्जॉर्ब होता है। ठीक, अब जो बॉडी सेल्स में एब्जॉर्ब होता है ऑफ द किस में, ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। एंड जो वेस्ट मटेरियल बनता है उस वेस्ट मटेरियल को थ्रू आउट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। प्यारे बच्चों, अब किन किन में ये टाइप होता है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स उनमें भी ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसी तरह आप कैट भी लेंगे, कैट में भी होता है ये, डॉग हो, डियर, लॉयन, लॉयन, बियर, फ्रॉग हो, फिश एट्सट्रा, ये है कि जिनमें ये हॉलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। खुदा हाफिज़।